उसके पास इंडिया के लिए सोचा जाएगा। सोच तो इंडिया का ही है, आईपीएल तो एक रास्ता है जी। सोच शुरू से इंडिया का ही है, अब रास्ता जो है वो इसी के अकॉर्डिंग रास्ते के हिसाब से चला जाता है। स्टेट सीनियर क्रिकेट के लिए खेल रहे थे, उसके द्वारा फिर मुंबई इंडियंस के लिए गए थे, पहले ट्रायल्स के लिए गए थे, फिर रिजर्व प्लेयर में वो लोग हमको रखा, फिर उसके बाद वो लोग सेलेक्ट किया हम लोग को, फिर आईपीएल टीम के साथ थे, प्रैक्टिस सारे प्लेयर्स के साथ, जितने मुंबई इंडियंस के प्लेयर्स है सबके साथ प्रैक्टिस किया पूरे 2-3-4 महीने। तो हम ट्रायल दे के आए हैं आईपीएल का। अच्छा, फिर अब देखिए जो भी ऑक्शन में होगा वो लोग जो बोलेगा उसके अकॉर्डिंग होगा। नमस्कार, आप लोग देखना शुरू कर दिए हैं एसईओ न्यूज़। नमस्कार, स्वागत है आपका एसईओ न्यूज़ में, और मैं हूँ आपके साथ यूनुस। गोपालगंज जिला के बगल में सिवान जिला और बढ़रिया पड़ता है, बाबूहत्ता गांव के बगल में, और यही बढ़रिया है जो कि आईएएस टॉपर दिया था आमिर सुभानी का। लेकिन क्रिकेट के दुनिया में बात किया जाए, क्रिकेट के लाइन में अगर बात किया जाए, तो हम लोग बिहार में रहते हैं और गार्जियन ज़्यादा इस पे फोकस नहीं करते हैं, क्योंकि हम लोगों का आगे का एक्सपेक्ट नहीं रहता है कहाँ तक लोग जाएंगे। लेकिन सुर्खियों में आए कुछ दिन पहले, और बाबूहत्ता गांव में पड़ता है, इनका नाम अनुज राज है और मुंबई इंडियंस में प्रैक्टिस करा रहे थे, फ़ोटो भी आप लोग देखे होंगे, कई ऐसे आर्टिकल्स में भी इनका छपा था। ये कह रहे थे जब ऑफ कैमरा इनसे बात हो रहा था कि बहुत जल्द मैं इंडिया के लिए खेलूंगा, बहुत जल्द मैं आईपीएल में भी चयनित हो जाऊंगा। अब ये बिहार के लिए खेल रहे हैं, वर्तमान में सिवान में जो मैच हो रहा है गोपालगंज जिला के लिए खेल रहे हैं, और अभी फरवरी में फिर चयनित होगा, फिर इनके पद के हिसाब से चयनित होगा और इनके क्वालिटी देखा जाएगा, उसके हिसाब से चयनित किया जाएगा, फिर ये इंडिया में खेलेंगे। लेकिन गोपालगंज के साथ साथ बिहार के नाम को भी रोशन कर रहे हैं। हम इनसे जानेंगे क्रिकेट की जीवनी के बारे में, कब ये शुरू हुए और कहाँ से जाकर ये मुंबई में कब बस के, इतना महंगी सिटी मुंबई है, वहाँ पर रहना काफ़ी मुश्किल हो जाता है। लेकिन छोटा सा गांव बिहार से निकलकर एक किसान के पुत्र होकर भी और जाकर अपना नाम रोशन कर रहे हैं बिहार का। तो चलिए अनुज जी, आपका बधाई, गोपालगंज जिले का नाम का रोशन कर रहे हैं। थैंक यू। पहला सवाल आपसे यही रहेगा, कहाँ से शुरू किए खेलना आप? खेलना तो गाँव से स्टार्ट किए थे, उसके बाद बहुत जगह प्रैक्टिस किए, दिल्ली किए, बेंगलोर किए, हर जगह प्रैक्टिस करके झारखंड किए, फिर उसके बाद लास्ट में बिहार ही आके खेलना स्टार्ट किया पूरा। अच्छा, गोपालगंज में स्टेडियम ज्वाइन किए थे आप? हाँ, बट वहाँ डिस्ट्रिक्ट खेलने के लिए वहाँ खेलना पड़ता है, तो वहाँ पे खेलते थे पहले। कौन सा प्लेयर देख कर आपको इम्प्रेशन जगह कि मुझे भी क्रिकेट लाइन में चूज करना चाहिए? क्रिकेट तो अपने शौक से स्टार्ट किया था, कोई देख के नहीं, शौक के हिसाब से खेलते 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 वो खेलने का जुनून आ गया, फिर खेलते रह गए। क्रिकेट में आइडियल किसको मानते हैं आप? आइडियल तो जहीर खान को मानते हैं हम। क्यों, क्या उसका अच्छा लगता है जहीर खान? उनका पर्सनालिटी उस तरीके का है, प्लस हम मेरा जो गेम है उनसे बहुत मिलता जुलता है, तो इसलिए वो ज़्यादा अच्छा। अब पिछले बार आप कौन से खेल में चयनित हुए थे और कौन कौन से टीम को प्लेयर को प्रैक्टिस कराए थे पिछले बार मुंबई इंडियंस में? पहले तो हम स्टेट के लिए खेल रहे थे, बिहार स्टेट सीनियर क्रिकेट के लिए खेल रहे थे, उसके द्वारा फिर मुंबई इंडियंस के लिए गए थे, पहले ट्रायल्स के लिए गए थे, फिर रिजर्व प्लेयर में वो लोग हमको रखा, फिर उसके बाद वो लोग सेलेक्ट किया हम लोग को, फिर आईपीएल टीम के साथ थे, प्रैक्टिस सारे प्लेयर्स के साथ, जितने मुंबई इंडियंस के प्लेयर्स है सबके साथ प्रैक्टिस किया पूरे 2-3-4 महीने किया पूरा वहाँ पे। आगे फिर कब चयनित होगा, क्या उसका डेट वगैरह फिक्स है? अभी तो हम ट्रायल दे के आए हैं आईपीएल का। अच्छा, फिर अब देखिए जो भी ऑक्शन में होगा वो लोग जो बोलेगा उसके अकॉर्डिंग होगा। लेकिन अगर एक्सपेक्ट किया जाए, उम्मीद किया जाए, क्या आपको क्या बिलीव कर रहा है, क्या लग रहा है, दिल क्या बता रहा है इसमें? हमको तो पूरा उम्मीद है कि होगा, बट आगे का हम प्रोसेस खुद नहीं बता सकते, वो तो हमारा मानना है कि वो तो होगा ही होगा, बट आगे जो भी डिसीजन उधर पंचायत जी का डिसीजन होता है वो लोग उनके पर डिपेंड करता है। अब पटना में भी रहे, सिवान में भी गए, गोपालगंज में गए, मुझे उम्मीद है कि अच्छे अच्छे क्रिकेटरों से मिलते होंगे, क्या इन लोगों का आशीर्वाद पूर्ण तरीके से मिल रहा है आपको? आईपीएल में लड़का खेल रहा है मेरा, बिहार का जाएगा आने वाले दिनों में? नहीं, फैसिलिटी थोड़ा कम है बिहार में वैसे आगे बढ़ने के लिए तो, बट यहीं से धीरे धीरे करके सबको अपना अपना रास्ता बदलना पड़ता है, वो बदल के आगे बढ़ सकते हैं, ऐसे तो सिर्फ यहाँ रह के बदलना मुश्किल है। ठोकर लगता है तो इंसान चलना सीखता है, लेकिन बिहार में आपको रियलाइज़ होता होगा क्या कमियां हैं, लड़का आगे बढ़ता है लेकिन आगे बढ़ने के बाद से खेलना जाता है तो झारखंड से खेलता है, ये ऐसा क्यों? नहीं, ये तो पहले यहाँ पे स्टेट का पहले था नहीं हमारे पास, बिहार के पास टीम नहीं था खेलने के लिए, इसलिए झारखंड यूपी जाते थे, बट अब टीम है तो लोग यहीं पर रहता है, और धीरे धीरे सारी फैसिलिटीज़ भी आ रही हैं, धीरे धीरे आएंगे, टाइम तो लगेगा उसमें, तो उसके अकॉर्डिंग जो भी होगा वो बच्चे अपने अपने इम्प्रूव करेंगे। बिहार के लोग, गोपालगंज के लोग उम्मीद करें कि बड़े स्क्रीन पे आपको देखा जा सकता है आने वाले दिनों में। जी जी, जरूर जरूर, मेहनत कर रहे हैं इसके लिए? हाँ, पूरा मेहनत। कितना घंटा वर्क करते हैं आप? इसका कोई डिपेंड करता है, जब मैचेस के बाद रेस्ट भी बहुत ज़रूरी है,
वैसे तो दिन में अगर 7-8 घंटा तो है कि किसी ना किसी चीज़ में करना ही करना है, और उसके अकॉर्डिंग मतलब मानिए कि 8 घंटा पूरे दिन में लगता ही है। बड़े बड़े प्लेयरों का कितना आशीर्वाद मिल रहा है? कोई 2-4 प्लेयर है जो कि आपको मतलब कि सपोर्टिव हो वहाँ पर मुंबई में? मुंबई में तो जैसे अगर आप जाइएगा तो सारे सपोर्टिव है, ऐसा कोई नहीं है कि आपके अगेंस्ट है। नामी गिरामी चेहरा कोई? जहीर खान है, बहुत सारे प्लेयर्स है बट सबका नाम नहीं लेना। अच्छा, बट सारे सपोर्टिव रहते हैं। सारे सपोर्टिव है आपके? सारे सपोर्टिव। चलिए थोड़ा सा, पर एजुकेशन क्या है आपका? एजुकेशन तो अभी इधर ही पढ़ाई कर रहे हैं, अभी 10th ही पास किया। अभी 10th पास किया? हाँ। एज क्या होगा लगभग? 22 हुआ अभी तो। 22। अच्छा, पिताजी क्या करते हैं? पिताजी खेती है, खेती बाड़ी करते हैं। अच्छा, बिहार में रहते हैं हम लोग, पिताजी जब देखे कि लड़का क्रिकेट खेल रहा है, घर का काम नहीं कर रहा है, पढ़ाई नहीं कर रहा है, पैर पीछे नहीं खींचे पिताजी कि सब में आगे फ्यूचर नहीं? नहीं, ऐसा कुछ नहीं, हम मेरे परिवार से ऐसा कुछ नहीं हुआ, वो सब शुरू से सपोर्ट करते थे। बिगिनिंग से ही सपोर्टिंग मिला है आपको पूरा शुरू से? हाँ, शुरू से सपोर्ट। लेकिन जब गांव में आप देख रहे हैं प्रैक्टिस करने की कोई जगह नहीं है, लेदर में सबसे पहली बॉल आप कहाँ खेले थे, कहाँ फेंके थे आप पहली बॉल? तो लेदर से जब पैड बांधे थे, हेलमेट पहने थे, इसका तो कहीं नहीं, गांव में ही किए थे, ऐसे थे गांव में स्टार्ट किए थे। किट खरीद कर? किट खरीद कर, बिना किट के खेले थे। बिना किट के खेले थे? पहले बिना किट के खेलते थे। अच्छा, एक बार जनता जानना चाहती, लोग जानना चाहेंगे, बॉलर हैं, कीपर हैं या गेंदबाज, बल्लेबाज? नहीं, फास्ट बॉलर है। आप फास्ट बॉलर हैं? हाँ। उसके अलावा मिडल ऑर्डर बैटिंग करते हैं। अच्छा, मतलब गेंदबाजी, अगर फोकस पूरा गेंदबाजी पे आपका? हाँ, पूरा फोकस गेंदबाजी पे। अच्छा, तो चलिए चलते चलते क्या कुछ उन लड़कों को कहिएगा जो क्रिकेट में अपना फ्यूचर बनाना चाहते हैं? कुछ नहीं, ईमानदारी से मेहनत करोगे तो अपना रास्ता बनता है, वैसे यही बात। अच्छा, और एक बात कि लड़का IPS बनता है, IAS बनता है, क्या क्रिकेट में फ्यूचर बना सकता है जिस तरीके फ्यूचर चाहिए? डिपेंड करता है उसका काम पे, वो कैसा काम करता है उसके ऊपर डिपेंड करता है कि वो आगे बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा, और काम अच्छे से नहीं करेगा तो अच्छा नहीं बढ़ेगा, और अच्छे से काम करता है तो जरूर बढ़ेगा। आपका अगला पड़ाव है IPL में चयनित हो जाना है? बिल्कुल जी। उसके बाद से इंडिया के लिए सोचा जाएगा? सोच तो इंडिया का ही है, IPL तो एक रास्ता है जी, सोच शुरू से इंडिया का ही है, अब रास्ता जो है वो इसी के अकॉर्डिंग रास्ते के हिसाब से चला जाता है। तो चलिए, ये थे बाबू हता, गांव का छोटा सा गांव का लड़का, किसान का पुत्र हैं, और छोटे से गांव से उठकर मुंबई में जाकर बढ़िया बढ़िया प्लेयरों के प्रैक्टिस करा रहे थे पिछले बार, इस बार भी IPL के ट्रायल देकर आए हैं। लोगों से दुआ की दरख्वास्त है, अगर बिहार के लोग उनके दुआ दें तो मुझे उम्मीद है कि आने वाले IPL में अपना का बाबू हता का लड़का बड़े स्क्रीनों पर दिखाई देंगे, आने वाले दिनों में इंडिया के लिए खेलते हुए नजर आएंगे, ये उभरते हुए सितारे नजर आ रहे हैं। अब धन्यवाद।